नमस्कार दोस्तों, मैं सुखराम दोसा राजस्थान से नेचुरल ग्रीन लाइफ स्टॉक फार्मिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करते हैं चंदन की खेती से। दोस्तों आपको पता है मैं एक खेती नहीं कर रहा, मैं इस चंदन के साथ साथ कई प्रकार के फसल भी ले रहा हूँ, जैसे एप्पल बेर ले रहा हूँ, प्लांट एप्पल बेर ले रहा हूँ, इनसे भी मैं काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ। 5 साल तक इनसे भी काफ़ी अच्छी अर्निंग करूँगा, ये होस्ट का भी काम करेंगी और मेरे अच्छा इस टाइम जो भी बहुत अच्छा इनकम दे रही है। और इसके साथ साथ मैं मुर्गी पालन, देसी मुर्गियों का भी देखिए किस प्रकार से देसी मुर्गी पालन भी कर रहा हूँ मैं इसमें साथ साथ। देखिए देसी मुर्गी पालन है इसमें, इसमें 100 मुर्गियाँ हैं इसके अंदर फार्म में। तो आज हम दोस्तों बात करते हैं, आज हमारा टॉपिक पर आते हैं, हम बात करते हैं कि होस्ट के बारे में। आज हम बात करते हैं होस्ट, मैं चंदन के देखिए मैंने होस्ट लगा रखा है, ये अनार का है, कई जगह मैंने ये शुरू इधर दिखाए, ये शुरू का प्लांट है, ये अरहर है, देखिए कई प्लांटों के पास ये अरहर है, ये शुरू लगा रखा है, देखिए इस प्रकार से शुरू का है। और अलग अलग तरह के होस्ट लगा रखे हैं मैंने सभी प्लांटों के अंदर, एक तरह के होस्ट नहीं है मेरे पास, सभी प्रकार के होस्ट लगा रखे हैं। और कई प्लांट जैसे होस्ट, अब मैं आपको बात करता हूँ, मैं ऐसे होस्ट के बारे में बात करूँगा जो आप देखिए। आज हम बात करते हैं कि देखिए हमारे पास हम ये है, ये बीज दिखाई दे रहे हैं इनको, एक बार दिखाइए, ये बीज है देखिए दोस्तों, ये बीज है इसके सहजन के, मोरिंगा डोमेस्टिक, ये इसके बीज है। तो हम डोमेस्टिक के प्लांटेशन करेंगे, बारिश का टाइम हो गया, हमने इनके प्लांट नहीं मंगाए इनके। आप देखिए इस प्रकार से, आप इस प्रकार से बारिश के अंदर इस प्रकार से प्लांट ऐसे प्लांट ये डाल दीजिए, और इस प्रकार से देखिए ये हमारे ड्रिप के है, यहाँ से प्लांट इस पर ये इस प्रकार से आप डोमेस्टिक के प्लांट लगा दीजिए। अब इसके मैंने इस पे लगा रखा है, इनसे 5 फीट दूरी पे, देखिए चंदन का प्लांट है, देखिए ये प्लांट है इसके पास में, ये डोमेस्टिक लगा रहा हूँ। दोस्तों मेरा पर्पज़ यह है, डोमेस्टिक के साथ साथ मैं और भी प्लांट लगा रखे हैं मैंने, लेकिन मैं डोमेस्टिक इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैं चंदन की खेती के साथ साथ मैं यहाँ पर बकरी पालन भी कर रहा हूँ अपने प्लांट में। तो बकरी पालन के लिए क्या होगा, मेरे को चारे की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, सहजन के वो प्लांटेशन कर रहा हूँ मैं, बारिश का है इसमें, देखिए सहजन के प्लांट लगाऊंगा मैं, ये बीज से जर्मिनेशन होगा ही, बारिश का मौसम है, और इस प्रकार से ये सहजन के प्लांट लगाए जाएंगे इनके सभी जगह। और देखिए इस पे ये आप देखिए होस्ट, देखिए आप चंदन का ये होस्ट, पास से दिखाइए एक बार, ये देखिए मेहंदी के साथ साथ, अभी मेहंदी नहीं गई है, और ये है अनार, और इसके साथ साथ ये है किक्कर, ये किक्कर के साथ देखिए कितनी शानदार ग्रोथ कर रहा है, ये देखिए किस प्रकार से मैं एक जंगल मॉडल बना रहा हूँ इसको, बिल्कुल जंगल मॉडल। और इसके बाद अब यहाँ पे 5 फीट की दूरी पे मैं लगा हूँ मोरिंगा डोमेस्टिक, और मेरा डोमेस्टिक का लगाने का, मोरिंगा लगाने का पर्पज़ यह है दोस्तों, मेन पर्पज़ यह है मेरा कि जो डोमेस्टिक है वो क्या होगा कि इनकी मैं किटिंग करूँगा, 5 साल के बाद भी इनकी कटिंग करता रहूँगा। जैसे डोमेस्टिक लगा दिया ये प्लांट इसके पास में 5 फीट की दूरी पे डोमेस्टिक का प्लांट लगाएंगे, तो उससे क्या होगा मैं इनकी कटिंग करता रहूँगा, और क्योंकि डोमेस्टिक ये ज़्यादा बड़ा नहीं होने देंगे इनको, केवल 10-10 फीट का रखेंगे, इसके बाद हम इनको काट देंगे, और काट को जो हमारी बकरियाँ हैं उनको इनको चारा खिलाया जाएगा बकरियों के लिए, क्योंकि मैं बकरी पालन भी कर रहा हूँ साथ में, और उसको धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। तो आप भी इस प्रकार से जैसे आपके सुटेबल हो आपके हिसाब से आप होस्ट लगाइए, जो आपके लिए बेनिफिट लायक हो वो होस्ट लगाइए, आपकी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम चंदन से रिलेटेड वीडियो शेयर करते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।